अजमेर के सिविल लाइन्स थाने में न्यायालय के जरिए संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाकर 7,50,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए एएसआई चांद सिंह ने बताया कि जॉन्सगंज निवासी ऋषभ सिंह ने न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज कराया कि रामगंज स्थित एक संपत्ति को ललित शर्मा चित्रकृष्ण कुमार ने अपना बताकर दो किस्तों में 7,50,000 ले लिए, जबकि संपत्ति नाम परिवर्तन की बात सामने आई तो वह अन्य की संपत्ति पाई गई। आरोपियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर इस संपत्ति को बेचा जा रहा था। इस मामले में ललित शर्मा, चित्रकृष्ण कुमार और वाणी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सर, किसने दर्ज कराया? दिनांक 8/10/21 को न्यायालय श्रीमान ACJM नंबर 3 अजमेर से एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 156(3) परिवादी श्री ऋषभ सिंह सनोप महेंद्र सिंह निवासी नरसिंहपुरा जॉन्सगंज अजमेर का प्राप्त हुआ। परिवादी ने आरोपी गण ललित कुमार, चित्रा शर्मा व कृष्ण कुमार पर आरोप लगाया कि इन्होंने रामगंज स्थित एक संपत्ति जो इन्होंने सुमकी बता करके इसके साथ इकरारनामा किया था, बतौर एडवांस 6,01,000 और 1,50,000, कुल 7,50,000 रुपए इन्होंने इससे प्राप्त कर लिए थे। और जब परिवादी ने संपत्ति अपने नाम करानी चाही तो वाणी शर्मा नामक महिला के हस्ताक्षर फर्जी होना उसको मालूम हुआ, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। थाना अध्याय पर प्रकरण दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है। संपत्ति किसकी थी सर? संपत्ति ललित कुमार और चित्रा शर्मा ने अपनी होनी बताई है। अच्छा। जिसमें ललित कुमार, चित्रा शर्मा, कृष्ण कुमार व वाणी शर्मा, ये सभी की सामलाती संपत्ति थी। मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है। आपका परिचय? चांद सिंह, SI, थाना सिविल लाइन।